अंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपका स्वागत है। चलिए हम पहला वर्ड लेते हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट। क्रिमिनल एंटीसीडेंट का मतलब हुआ आपराधिक छवि वाले। पॉलिटिकल पार्टीज हैव स्टार्टेड टू गिव प्रायोरिटीज टू क्रिमिनल एंटीसीडेंट लीडर्स एक्सपेक्टिंग विक्ट्री बाय देयर मसल्स पाव। मतलब राजनीतिक दल आपराधिक छवि वाले अपराध वाले नेता का सहारा ले रहे हैं, उनके ताकत का। क्रिमिनल एंटीसीडेंट आपराधिक छवि वाले। दूसरा है लॉलेसनेस। लॉलेस मतलब बिना कानून के। लॉलेसनेस का मतलब कानून का अभाव। स्लिप बैक टू लॉलेसनेस वेयर देयर इज नो सच थिंग एज लॉ। टू मूव फॉरवर्ड का मतलब हुआ जहाँ कानून जैसी कोई चीज नहीं दिखती है, लॉलेसनेस है। जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब हो गया कानूनी। जुडिशियल का मतलब न्यायिक। पर्टेनिंग टू जज और कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशियल प्रोव और इन्वेस्टिगेशन न्यायिक जांच। तो जुडिशियल का मतलब हो गया न्यायिक। ये तीन शब्द अगर आप डेली करते जाएं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपके इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी समझ में आने लगेगा, साथ साथ में आप इजीली बोल सकते हैं। तो ये देखिए, पहला शब्द आज का है क्रिमिनल एंटीसीडेंट आपराधिक छवि वाले, लॉलेसनेस यानी कानून की कमी, नियम विहीन, जुडिशियल का मतलब हो गया न्यायिक। चलिए और प्रैक्टिस कीजिए डेली, सारी वीडियो को आप सुनिए, रिवीजन कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश स्पॉन्टेनियसली। अगर आप, क्या आप अपने 24 घंटे में 5 मिनट नहीं निकाल सकते इंग्लिश के लिए? सिर्फ 5 मिनट जो आपको बहुत स्ट्रांग बना सकता है, तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं? ज़रूर निकाल सकते हैं, तो निकालिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।